ना जाने कितनी बार बादल आए बरस कर चले गए, पर मेरा अचल नहीं भीगा। मेरे लिए तो सावन तब आएगा जब आप आएंगे। तूने आई की नाक पे मुक्का मारा, आई ने कुछ नहीं कहा। हाँ दादा दा, बापा का मोदक चाटा, आई ने कुछ नहीं कहा। बापा को ईद चिराई, हाँ आई ने कुछ नहीं कहा। अब हंसी आ रही है, अब आई के बाल खींचेगा ना तो शामत आ जाएगी तेरी। इधर देख, पूछ क्यों? क्योंकि तेरे बाबा को तेरी आई के बाल बहुत पसंद है। बाबा जब वो आएंगे ना तो हमारी बात मानिए, वो अब कभी नहीं आएंगे। आप राधा भाई को बाहर बुलाइए। क्या हुआ भाऊ? राधा पंचियाले, हम जानते हैं कि मुगलों ने बालाजी भट्ट की हत्या कर दी है। झूठ है ये। उनकी मृत्यु का हमें भी दुख है। व्यक्ति मर सकता है पर परंपरा नहीं मर सकती। अपनी परंपरा, अपने धर्म को जीवित रखने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक विधवा का सुहागन के वेश में रहना हमारे धर्म के विरुद्ध है। आपकी बहन को विधवा बनना होगा। वो जीवित है या नहीं इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? कम से कम ये हिसाब तो पापा पे छोड़ दीजिए। सच क्या है आपकी बहन भी जानती है पर मानना नहीं चाहती। पिछले बीते 8 महीनों से इनके पति की कोई सूचना नहीं है और आपको ये बात अपनी बहन को समझानी होगी। क्योंकि नारी कमजोर होती है, इसीलिए पुरुष का कर्तव्य है कि नारी को सही मार्ग दिखाए। दादा पंत जी ठीक कह रहे हैं। वहिनी हम अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते राधा। वहिनी आप भी, वो जीवित है। मैं जानती हूँ वो जीवित है। दामोदर भाई के बाल उतार दो। जीवित है वो। राधा चलो। वहिनी समझाओ, जीवित है वो? राधा कुछ नहीं हुआ है उन्हें। जीवित है तो कहाँ है, कोई प्रमाण है उनके जीवित होने का? मैं हूँ प्रमाण उनके जीवित होने का। अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो अब तक मेरी सांसें भी रुकी होती। ना आपकी बहन सावित्री है, ना ये सतयुग है। युग तो मनुष्य के कर्म से बनता है पंता। आपके लिए कलयुग आ गया होगा पर हर पतिव्रता के लिए वो तब भी सतयुग था और आज भी सतयुग ही है। हम स्त्री से बहस नहीं करना चाहते। राधा राधा बात मानो, चलो चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़। दामोदर विधि आरंभ करो, शुरू करा। धर्म के विरुद्ध काम नहीं करते राधा। तो बीच में बताना, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, दूर हो जाओ। दामोदर आगे मत बढ़ना, मैं चेतावनी दे रही हूँ, आगे मत बढ़ना। राधा बात को समझो। राधा क्या कर रही हो? राधा राधा बंद कर। राधा
बालाजी विश्वनाथ भट्ट। पुरुष और परंपरा जब स्त्री की रक्षा ना कर सके तो उनका मिट जाना ही अच्छा होता है। श्रीमंत, हम तो यहां मात्र अपनी संस्कृति की रक्षा करने आए थे। संस्कृति कुआं नहीं होती, बहती हुई नदी होती है, और नदी की रक्षा रोक कर नहीं की जा सकती। संस्कृति को समय के साथ बहने दीजिए, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी। इतने दिन कोई घर से बाहर रहता है भला? हमारी संतान आप ही का आशीर्वाद है बाबा, और आपका आशीर्वाद जिसकी झोली में आ जाए शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारी आंखों के आगे मृत्यु थी और आंखों में एक ही चेहरा। मृत्यु मतलब मुगलों ने आपको? हाँ, उन्होंने अपना शत्रु धर्म निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाए बगैर ही चले जाएंगे। कैसे मरना पसंद करोगे? तलवार से कटोगे, तोप के आगे बंधोगे, या फिर पहाड़ी से फेंके जाओगे? तलवार और तोप से हमारी जिंदगी एक ही बार में समाप्त हो जाती। सबसे बड़ा जुआ खेला तो तोप से या तलवार से, बाहर से बहुत फेंकेंगे हमें, हमें बहुत डर लगता। मतलब आपको पता था आप जो कहेंगे औरंगजेब उसका उल्टा ही करेगा? वाह, क्या चाल चली है। हमने तो आंखें बंद करके बस पासा फेंका था, चाल तो समय ने स्वयं चली। औरंगजेब ने तो हमारी मित्रता यमराज से करवा ही दी थी, पर बप्पा ने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ आदिवासियों ने हमें बचा लिया। महीनों बाद जब हमें होश आया तो पहले हम धनाजी के पास पहुंचे। शाहू राजे जीवित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वंश वेल मिटी नहीं है। हर हर महादेव। हमने कहा था बालाजी, आप अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकते, सिपाही होना आपकी तकदीर है। और जब हमने शाहू जी राजे को देखा
वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। ये खबर जल्द से जल्द मातोश्री तक पहुंचानी है। शायद नफरत है मुझे इस शब्द से। शायद वो बच गए होंगे, शायद हम उन्हें सही सलामत वापस ला सकते हैं, शायद स्वर्गीय छत्रपति राजाराम जी की अंतिम इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। अहो शायद हा शब्द एक कोहरा है धना जी, कोई नहीं जानता इस कोहरे के पार क्या है। और साम्राज्य की दीवारें लोहे की बनती हैं, कोहरे की नहीं। खरा बोलते तारा रानी साहेब, और ऐसा लोहा तो इस समय सिर्फ आप ही है। मैं एक औरत हूं धना जी, और औरत सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। पर साहेब, सिंहासन पर शिवराजे को बिठाकर उनके नाम पे आप शासन कर सकती हैं। साहेब, इस समय मराठा साम्राज्य के लिए यही मुनासिब है, नाम शिवराजे का रहे और हुक्म आपका। माला समझ लो धना जी, अब यही बात आपको शाहू जी के वफादारों को समझानी है। कल एकादशी है, राजे का राज तिलक है। कल सभा में जो सरदार नहीं आएंगे, उनका ना आना छत्रपति शिवाराजे के खिलाफ बगावत माना जाएगा। अलग अध्यालत हो। जय शिवाजी। जय भवानी। घाव भरने में काफी समय लग गया, हमें जानते हैं हम कैसे बचे। कैसे? आपने आशा की डोर नहीं छोड़ी, और नहीं पतंग तो कब की कट गई होती। मुझे गर्व है आप पर। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि धना जी बिल्कुल सही कहते हैं, हम मुंशी नहीं सिपाही। अब ये सिपाही वापस उन वही खातों में खोना नहीं चाहता। मैं आपको नहीं रोकूंगी, एक शर्त है, आपको हर बार मेरे पास वापस लौटना होगा। बड़े नाजुक हाथों में लगाम दे रहे हैं, अब तो इस साम्राज्य का भगवान ही मालिक है। सुमरता दुखरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम
आज कितना शुभ दिन है ना, हमारे बच्चे का नामकरण होने जा रहा है। स्वामी जी, बालक के लिए कोई नाम सोचा है? बाजी। बाला जी, आपको याद है हमने आपसे कहा था इस देश के भाग्य में स्वराज लिखने वाले हाथ आपके पुत्र के होंगे। बाजी की होगी। बाजी जो जिंदगी की हर बाजी जीतेगा। बाजी की कुंडली। राजे तो तारा रानी साहब की छाया भी नहीं है। ये मराठी साम्राज्य के भविष्य नहीं हो सकते। रानी साहब है ना, और उनके बाद मराठियों को एकजुट कौन करेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? ये कुंडली देखकर हम तीन भविष्यवाणियां करते हैं। पहली भविष्यवाणी, आपके पुत्र के समान योद्धा कम से कम इस लोक में दूसरा नहीं होगा। ये कभी कोई युद्ध नहीं हारेगा।
ये अजय रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी, ये संसार से उल्टी चाल चलेगा। हर नियम हर परंपरा को चुनौती देगा। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ये अद्वितीय होगा, अद्वितीय। क्या बात है स्वामी जी, आप चुप क्यों हैं? और तीसरी भविष्यवाणी। हाँ, भाग्य ने भी क्या खेल खेला है। संसार चरणों में रख दिया, पर संसार को देखने का समय नहीं दिया। बाजी अल्पायु है, इसकी आयु लंबी नहीं होगी। यह है आपका पुत्र अजय, अद्वितीय पर अल्पायु। भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता क्या? बदला जा सकता तो उसे भाग्य ही क्यों कहते हैं? इसके पास समय कम है तो क्या? ये एक दिन में अढ़ाई दिन जिएगा। एक रात में अढ़ाई रात जगेगा। आप डरिए मत सरकार, इसकी जिंदगी लंबी नहीं तो क्या? हम बड़ी तो कर सकते हैं। हम इसे ऐसी परवरिश देंगे कि बड़ा होकर ये एक नया इतिहास रचेगा।
बाजी के जीवन को बड़ा बनाने के लिए बालाजी और राधाबाई सासवड आ गए, जहां बालाजी धनाजी के सर सूबेदार बन गए। 7 वर्ष बीतने के बाद बालाजी और राधाबाई का सासवड में अपना घर और बाजी के अलावा 2 संतानें और हैं, चीमाजी और भीऊबाई। चिमना, आजा तू भी खाना खा ले। आई, बस ये पाठ पूरा करके खाते हैं। आई, कहानी। थाम ग, सुना रही हूँ ना। कहाँ थे हम? हाँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कहने पर तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ पे धावा बोल दिया। और जैसे ही तानाजी मालुसरे को मुगलों ने वहां देखा, उनके तो तोते उड़ गए। अरे वाह भीऊ, तुझे बड़े मुहावरे आने लगे। तो वहां पहुंचने के बाद घमासान युद्ध आरंभ हुआ। और फिर जैसे ही तोते उड़ गए भीऊ, जैसे ही तानाजी मालुसरे ने अपनी तलवार निकाली, सबके तोते उड़ गए। पीयू, एक ही मुहावरा हर जगह नहीं चलता। अब फिर से बोलेगी ना तो कान खींचूंगी तेरे। मुंह खोलो भाई साहिब। मांगी, पिछले हफ्ते ही तो पैसे दिए थे तुम्हें, फिर से मुंह लटका के क्यों आए हो यहाँ? तोते उड़ गए। बियो, भाई हम इतनी मेहनत से दूर देश से तोते पकड़ के लाए थे बोलने वाले, बाजी ने पिंजरे तोड़कर सबको उड़ा दिया। हम मेरी दीवार पर बैठकर तोते उड़ गए ऐसा कह रहे हैं। तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए। यू, अब समझी क्यों इतने तोते उड़ा रही थी तू। चिमना जी, जा मेरा पैसे का बक्सा लेके आ। शरारत करे भाऊ, और पैसे का बक्सा लाए हम? चीमा जी साहब, जा लौकर जा। तोते उड़ गए। तो श्रीमंत बालाजी भट्ट सतारा कचहरी में काम करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलता। हाँ, वरना तो आप ब्रह्मास्त्र ही चला देते ना। आई, जानती हूँ अधिक है। अगले हफ्ते तुम फिर से पक्षी पकड़ोगे और बाजी फिर से उन्हें उड़ाएगा। उसकी पेशकी है, जाओ दे। हम इतनी मेहनत से पंछी पकड़ते हैं। मांगी, स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखिए मांगी, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। कर लगा जी। आई, अगर भाऊ ऐसे शरारतें करते रहे तो कुछ दिनों में पैसे का बक्सा सिर्फ बक्सा ही रह जाएगा। चुपना भाऊ, पता है क्या? तोते उड़ गए। चुप कर। अब पता कहाँ है तेरा भाऊ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.